इतना बड़ा बॉक्स है ये और पैक्ड है बिल्कुल। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिन बाद एक ग्रॉसरी हॉल व्लॉग हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर अब ग्रॉसरी मैं ऑनलाइन मंगवा देती हूँ तो वीडियो नहीं बना पाती हूँ। एक दो बार बनाई थी शायद, तो आज भी थोड़ी सी ज़्यादा ग्रॉसरी है, थोड़ी थोड़ी करके मंगवाते हैं तो वो फिर उसमें हॉल बन नहीं पाता है। तो आज मैंने सोचा, हमारी ट्रिप के बाद हम ग्रॉसरी ख़त्म हो गई थी तो बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी, मतलब पूरी प्रॉपर ग्रॉसरी काइंड ऑफ मंगवा लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी जो चीज़ें थी, चावल, आटा, चीनी, ये तो होता ही है, तो जो ख़त्म हो गई थी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, तो इतनी है कि हॉल हो जाएगी। तो हॉल स्टार्ट करते हैं। एक जॉइंट बॉक्स, लार्ज ग्रॉसरी सेलेक्शन। ओके, इस तो ये है ना, ये एड्रेस वगैरह यहाँ से। अच्छा, इस पर टेप नहीं लगा है, यहाँ से लगा है क्योंकि आप इजीली इसको खोल सकें। और ये है जी, शुरू करते हैं। नहीं, यहाँ से नहीं शुरू करते हैं, सॉरी, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। एग्स इतना सिक्योर करके देते हैं, दो क्रेट एग्स हैं, ये फ्रीजर आइटम है। और लेट मी शो यू गाइस, इसमें जो होता है प्लीज रिटर्न दिस जेल पैड्स और अपने डोर स्टेप पर रख दें नेक्स्ट डिलीवरी के टाइम। तो जिस दिन, जैसे आज डिलीवरी थी तो हम ये बॉक्स रख देते अगर हमारे पास होता। कितनी बार हमने मंगाया कारफोर से भी और नून से भी, वापस बाहर रखते हैं, ये जेल्स भी रखते हैं, लेकिन ये लोग लेकर नहीं जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो अब क्या कर सकते हैं, नहीं लेके जा रहे। तो और बेल बजाते हैं, रख कर ग्रॉसरी रख कर बेल बजाते हैं और चले जाते हैं। जब दरवाज़ा खोलो तो मतलब होते ही नहीं है वो लोग कि उनको बोल सकें कि आप भाई ये खाली जो एम्प्टी बॉक्सेस आपके रिटर्न वाली चीज़ें लेकर जाएं। ओके, मक्खन भी इसी में डाल दिया। ये है सॉल्टेड और स्प्रेडेबल है, यस। कहाँ लिखा हुआ है, ब्लू पैक सॉफ्ट, यस सॉफ्ट है तो इसका मतलब स्प्रेडेबल है। ये हो गया चिकन क्रीमा, विच ब्रांड, अल इस्लामी, यही मंगवाती हूँ मैं। और सादिया की, आई गेस, यस सादिया की, ये ड्रम स्टिक्स हैं फॉर चिकन बिरयानी एंड ड्रम स्टिक, वैसे ही बना लेंगे, फ्राई कर देंगे, बेक कर देंगे, एयर फ्राई कर सकते हैं, कुछ भी। तो फ्रीजर का आइटम है। इसमें इसमें ये कैप्सिकम है, जो मैंने कीमा मंगवाया ना वो कैप्सिकम के साथ बनाने के लिए मंगवाया, लेकिन कैप्सिकम ज़्यादा बड़ी है और कीमा मेरे ख्याल से इन दोनों में कर दूँगी, इन दोनों में स्टफ़ हो जाएगा, आई गेस, यस। एंड व्हाट एल्स, लहसुन, इनके छिलके बहुत गिरते हैं, अभी भी गिरे नज़र आ रहे तो मैं बाहर नहीं निकाल रही हूँ। एंड हरी मिर्चें प्यारी और साफ सी। देखिए, यहाँ से जो चीज़ें मंगवाते हैं ना ऑनलाइन आप, तो बिल्कुल एक एक पीस कचरा या ख़राब कोई चीज़ ऐसी नहीं आती है। मैंने ख़ुद लेते हैं ना तो उसमें मिक्स पड़ी होती है, तो आप कितनी छान लोगे। तो मैं तो शॉपर जो हाथ में पहनती हूँ और ऐसे ही करके ना उठा देती हूँ, चाहे सही आए ख़राब आए, कुछ ख़राब आती हैं तो खैर इसको रखते हैं। साथ ही साथ मैं किचन में रखती जा रही हूँ, क्योंकि अभी ये वाली जगह मुझे खाली करनी है इसके लिए। अगेन फ्रीजर आइटम, इसमें क्या है, बोनलेस सादिया, यस, लेमी, एक बार देखती हूँ मैं, यस, ब्रेस्ट पीसेस, 1 kg 1 kg, तो ये 2 packets हैं सादिया के, वापस रख देते हैं, इनको भी रख देते हैं।
और ये माय दुबई पानी मंगवाया है 500 ml वाला। एक तो तेरा मिनी बॉटल्स वो भी मिलती हैं और एक जो नॉर्मल बॉटल होती हैं वो 500 ml 24 बॉटल्स यही मंगवाते हैं। ओके अब इसकी बारी है, इसको खोलते हैं। इसमें फ्रीजर का आइटम क्या है? ऑनेस्टली बताऊं तो मैं भूल गई हूँ। ओके फ्रीजर का नहीं बट फ्रेश का आइटम है तो ठंडा रहने के लिए। और ये प्रोटीन काइंड ऑफ ड्रिंक है या कुल्ट। ये एडल्ट्स दिन में 2 बॉटल ले सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, एनर्जी है। एंड बच्चे जो हैं 1 साल से बड़े बच्चे जो हैं वो दिन में 1 बॉटल ले सकते हैं। और बच्चों में बच्चे भी ले सकते हैं क्योंकि बच्चों में ये डायरिया इन्फेक्शन वगैरह के लिए भी अच्छा होता है, तो ये ले सकते हैं। देखिए इतनी सी बॉटल है, देख रहे हैं छोटी सी बॉटल है बिल्कुल। एंड लस्सी लबन अप अल एन फार्म्स की ये लबन मंगवाई है मैंने। एक और पैकेट है, इसको भी निकालते हैं। और ऑलिव ऑयल मंगवाया था। ये ग्लास बॉटल वाला अच्छा, जब भी तो इतना हैवी हो गया। इससे पहले जो मंगवाया था उन्होंने प्लास्टिक बॉटल थी, पता नहीं चलता ऑलिव ऑयल में यार कौन सा ब्रांड मंगवा रहे हैं। और लाल मिर्चें, दूध, चाय का दूध, कितने हैं 1 2 3। ये बड़े वाले नहीं मिल रहे थे तो मैंने छोटे ये 3 मंगवाए हैं। रेनबो भी 3 मंगवाए हैं। ये रेनबो, ये भी चाय के दूध है, इलायची वाले होते हैं। तो रेनबो वाले थोड़े ज़्यादा क्रीमी काइंड ऑफ होते हैं। और ये बेबी फूड मंगवाए हैं कुछ, बनाना बहुत सारे मंगवाए थे मैंने क्योंकि नोआ खा रहे हैं बनाना, तो 1 2 ऐसे सारे हैं बेबी फूड। और इसमें है एप्पल, सिर्फ एप्पल, एप्पल के साथ डिफरेंट फ्रूट मिक्स, ऑरेंज, पीच, इस तरह से पाइनएप्पल। तो ये नोआ के खाने पूरे 3 टाइम या 4 टाइम या 5 टाइम यही नहीं देती हूँ मैं। दिन में एक ये बॉटल दे दी, फिर घर का कुछ बना हुआ दे दिया, और फिर दूध वगैरह बीच में थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, कुछ छोटे मोटे स्नैक्स जैसे फूल मखाने या बिस्किट या कुछ इस तरह की चीज़ें होती है ना वो दे दिए, तो ऐसे चलता रहता है। ठीक है, प्रॉपर इस ही डाइट पे नहीं है नोआ। और धनिया, ये थोड़े दूसरे वाले लग रहे हैं यार। धनिया में मुझे ये होता है, 2 तरह के धनिया नज़र आते हैं जब आप लेने जाओ और ऑनलाइन समझ में नहीं आता फिर मुझे धनिया में। पुदीना बहुत अच्छी पैकिंग से दिया है, चॉकलेट मिंट है ये। और टमाटर कहाँ रखूँ यहाँ जो। और आलू गोभी, आलू बहुत प्यारे हैं, गोभी बहुत साफ है। और इसमें क्या है, प्याज, अदरक, बहुत छोटी छोटी अदरक है ना उनको। खैर अब इसमें चेक करते हैं क्या है। और ये है, इसमें थी अलमराई फ्रेश योगर्ट फुल फैट 1 किलो की, ये है। ठीक है, ये है। और ये थी आज की ग्रोसरी, आई होप आप लोगों ने वीडियो देखी होगी और आगे
ट्रैवल ब्लॉग्स भी मेरे अपलोड हुए हुए हैं जापान के, तुर्की के, तो आप वो भी देख सकते हैं, दुबई के ब्लॉग्स भी देख सकते हैं, डेली ब्लॉग, शॉपिंग ब्लॉग, वॉक थ्रू, सब कुछ है अलग अलग फोल्डर्स में। अपना अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। इस पूरे बैग में सिर्फ ये जेल पैड्स हैं, ये जो फ्रोज़न आइटम के साथ होते हैं ना, ये ओह काइंड ऑफ हैवी, लेकिन मैं इनको संभाल के नहीं रख सकती। पहले मैं रखा था और इन लोगों ने ना ये बाहर भी रख देती हूँ मैं, पर लेकर नहीं जाते। अब मैं इनको फेंकूँगी फेंकूँगी, मेरे घर में जगह नहीं है भाई इन कचरों के लिए।